हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप पर। और आज हम लोग जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे यूनिट 10 से रिलेटेड है, ये कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म यानी सांप्रदायिकता और धर्म निरपेक्षता क्या होती है ये हम समझेंगे। मेरी एक स्टूडेंट है जिनका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा ने मुझे रिक्वेस्ट किया और श्रद्धा की तरह आप भी अगर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम होता है और अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो फिर वो कॉन्सेप्ट मैं जरूर क्लियर करता हूं जैसा कि श्रद्धा ने किया। श्रद्धा ने कहा तो मैं ये वीडियो लेकर के जरूर से आया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी इसी तरह से कहीं पर आपको डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो परेशान मत होइएगा, मुझे आप बता सकते हैं और मैं जरूर से उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, सेकुलरिज्म में क्या होता है, एक बात समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से कि जब स्टेट को दो तरह से हम लोग सेकुलरिज्म समझते हैं। एक होता है कि स्टेट जो होता है यानी राज्य क्या करता है, अपने आप को सेपरेट कर लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है धर्म से। यानी राज्य क्या कहेगा कि मैं तो किसी को भी नहीं मानता हूं, मैं किसी धर्म में विश्वास ही नहीं रखता हूं। दूसरा सेकुलरिज्म का पार्ट ये होता है जब वो ये कहेगा कि यार मैं हर एक रिलीजन को इक्वल समझता हूं, समान व्यवहार हर एक रिलीजन के साथ करूंगा। दोनों ही सेकुलर है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पर है, ठीक है ये समझ लीजिए अच्छी तरह से। सेकुलरिज्म आपको समझ में आ गया होगा धर्म निरपेक्ष, यानी धर्म के रूप में निरपेक्ष है वो। राज्य कहता है कि भैया हमें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है महाराज, एक तरफ ये कहता है। दूसरा व्यू ये मानता है कि भैया हम लोग सब सब धर्म को समान रूप से मानते हैं, हम कहीं पर भी किसी धर्म को वेटेज नहीं देंगे। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो फर्स्ट वाला हिसाब किताब है, जो राज्य धर्म में विश्वास ही नहीं रखते वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, वो कहते हैं इसलिए नेगेटिव है कि स्टेट अगर धर्म के साथ नहीं चलेगा तो धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा और वो समझ लीजिए कि अपने रास्ते से भटक जाएगा। यानी अगर स्टेट को अच्छा काम करना है तो धर्म के साथ मिल करके करना होगा, क्योंकि धर्म जो है किसी भी राज्य को रास्ता दिखाने का काम करता है। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इसलिए हमारे देश में भी हमारे संविधान में सबको इक्वल रिस्पेक्ट दिया गया है रिलीजन को। ठीक है, आप किसी के भी साथ बायस्ड नहीं होते, आज की स्थिति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप किसी भी धर्म के लिए बायस्ड पक्षपाती नहीं होते हैं आप। ठीक है, चलिए। तो सेकुलरिज्म इज मोस्ट कॉमनली डिफाइंड एज सेपरेशन, ठीक, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम सिविक अफेयर, फ्रॉम पब्लिक अफेयर और फ्रॉम द स्टेट। समझ गए, धर्म निरपेक्षता आमतौर पर नागरिक मामलों या सार्वजनिक मामलों और राज्य से धर्म के अलगाव को परिभाषित करता है। मतलब धर्म से अलग कर लिया स्टेट को, वो क्या कहलाता है, वो सेकुलरिज्म कहलाता है, सिंपल बात। ठीक है, चलिए। सबसे पहली बार ये शब्द किसने दिया था, जॉर्ज जेकब होलियके ने मॉडर्न सेंस में दिया है सेकुलरिज्म। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी में पहली बार जॉर्ज जेकब होलियके ने दिया है। ठीक है, सेकुलम से निकला हुआ ये शब्द है, याद रखिएगा, जॉर्ज जेकब होलियके, ठीक, 19वीं शताब्दी में इन्होंने सबसे पहली बार क्वाइन किया है इस शब्द को। ठीक, टीएन मदान जो है उन्होंने भी सेकुलरिज्म पे कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। ठीक, सबसे पहला डायमेंशन इन्होंने दिया द सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, तो वो सेकुलर कहलाता है। भारत में धर्म निरपेक्षता के कई अर्थ हैं, जैसा कि टीएन मदान ने टिप्पणी किया है, इन्होंने निम्न आयाम दिए हैं। सबसे पहला आयाम इन्होंने दिया है धर्म से राज्य का अलगाव। ठीक, ये भी धर्म से राज्य के अलगाव के रूप में धर्म निरपेक्षता को देखते हैं। सेकेंड डायमेंशन ये कहते हैं इक्वल एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। देखिए, इक्वल एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज बाय द स्टेट, हर एक कम्युनिटी को समान रूप से देखने का नजरिया, राज्य द्वारा सभी समुदायों को एक साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो,
किसी पारसी हो, किसी भी धर्म से हो, बुद्ध हो, जॉन जैन हो, ठीक है, किसी भी धर्म से हो, राज क्या करेगा, सब लोगों को समान अधिकार प्रदान करेगा, निष्पक्ष सबके साथ व्यवहार करेगा। ठीक है, टीएन मदान कहते हैं दूसरा जो आयाम है सेकुलरिज्म का, धर्म निरपेक्षता का, वो ये है। और तीसरा आयाम ये कहते हैं अप्रोचिंग रिलीजियस बिलीफ इन अ स्पिरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी, वस्तुनिष्ठ तार्किकता की भावना से धार्मिक मान्यताओं को देखना। ठीक, यानी अब ये नहीं है कि राज्य मतलब कि पार्लियामेंट पे हमारे दिवाली मनाने लग जाएंगे, ईद मनाने, ये नहीं होगा, समझ गए। तो ये तीन आयाम जो हैं धर्म निरपेक्षता के इन्होंने दिया, यानी राज्य क्या करता है, हर चीज में धर्म से अपने आप को अलग कर लेता है, या तो फिर हर एक धर्म को समान रूप से ध्यान देता है, सबका सम्मान करता है, यानी कि सर्वधर्म समभाव की भावना जो है वो धर्म निरपेक्षता कहलाती है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसका नाम है कम्युनलिज्म। ठीक, कम्युनलिज्म पे आएंगे, मगर उसके पहले हमें अपना भी प्रचार करना है। ठीक, तो बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्री वीडियोज मैं लेकर के आता हूं, फ्री क्लासेस मैं लेकर के आता हूं, उसका लिंक डायरेक्टली आपको वहां पर मिल जाता है। और आजकल सोशियोलॉजी का रिविजन स्टार्ट हो चुका है, रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं, तो फटाक से ऐप पर आ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर मान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिखना होता है अपना नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है या आपका नाम सुनीता है, तो लिख दीजिएगा रमेश या सुनीता, साथ में लिखिएगा बीईपी। अब आप सोच रहे होंगे बीईपी क्या है, तो बायजूस एग्जाम प्रेप का शॉर्ट फॉर्म है बीईपी, और साथ में लिख दीजिएगा यूजीसी नेट। ठीक, क्योंकि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए बीपी यूजीसी नेट लिख दीजिएगा और भेज दीजिएगा। मेरा जो नंबर है 7838517884 पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कम्युनलिज्म क्या होता है। कम्युनलिज्म मतलब होता है सांप्रदायिकता, यानी जब राज्य किसी एक धर्म को इंपॉर्टेंस देने लग जाए और बाकी सब धर्म को इंपॉर्टेंस ना दे। ठीक है, जब पॉलिटिशियंस एक धर्म को इंपॉर्टेंस दें और दूसरे धर्म को इंपॉर्टेंस ना दें तो क्या होता है, घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं, उसे ही हम सांप्रदायिकता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, धर्म निरपेक्षता और सांप्रदायिकता पे अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच स्टेट्स दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिलीजियस कम्युनिटीज हुज इंटरेस्ट डिफर्स एंड एट टाइम्स इवन अपोज्ड टू ईच अदर। कम्युनलिज्म ऐसे समाज के बारे में बताता है जहां पे एक से अधिक धर्म के लोग रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके विश्वास, उनकी मान्यताएं ना केवल एक दूसरे से अलग होती हैं बल्कि विरोधी होती हैं। Not only the society which is living, the members of different religion which is living in a society, their beliefs and their opinions, their religion are different, but they are in opposition to each other. यानि ना केवल वो अलग होते हैं एक दूसरे के से लेके विश्वास से, एक दूसरे के मान्यताओं से, बल्कि वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जब इस तरह का समाज बन जाता है तो क्या होता है, तो उसे कम्युनलिज्म कहा जाता है, उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो इसी तरह से अगर आप सरल तरीके से समझना चाहते हैं, ठीक, पूरी सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिए, JRF का सपना आपका पूरा हो जाएगा। पेड क्लास के लिए आपको 9241333666 पर आपको कॉल करना होता है। देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है यहां पर कॉल कर लीजिएगा, और अगर किसी छोटे कॉन्सेप्ट में डाउट है तो इसी के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।